हाय, मैं हूं जुएल। आप देख रहे हो टेक गाइड। आज की इस वीडियो में मैं एमएक्स प्लेयर के कुछ हाइट ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ाना लाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। चलिए, एमएक्स प्लेयर का जो पहले वाला इंटरफेस है, वाइट इंटरफेस, तो आपको बहुत पहले से देख के बोरिंग लग रहा होगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद फास्ट ऑप्शन, लिस्ट पे जाने के बाद थीम पे क्लिक करिए। बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन आपके सामने हाजिर है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद देखिए, इधर का इंटरफेस पूरा बदल गया, देखने में भी बहुत यूनिक लग रहा है। तो उसके बाद जाते हैं वीडियो पे, कुछ टिप्स पे। तो मैं एक वीडियो ऑन कर रहा हूँ, तो वीडियो पे आप देख सकते हो वीडियो बार, स्ट्रीमिंग बार, मोटी सी लाइन देख रहे हो। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब के मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक चेंज कर सकते हो। तो आपको थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद नीचे सेटिंग पे जाना है, उसके बाद जो एज स्टाइल वाला पहला ऑप्शन है, आपको इसको बार को फ्लैट से आपको मेटेरियल करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी आप कलर दे सकते हो, तो उसके बाद मेटेरियल में रेड कलर दे चुका हूँ। तो और भी इधर बहुत सारा ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर सकते हो अपने पसंद के मुताबिक। तो आप देख सकते हो बार पतला हो चुका है रेड कलर की, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और रही बात जो वीडियो पॉज एंड प्ले करने के लिए, आपको पहले बार को लाना पड़ता है, उसके बाद पॉज और प्ले करना पड़ता है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद डिस्प्ले, और उसके बाद सेटिंग, उसके बाद कंट्रोल पे जाने के बाद आपको नीचे डबल टैप प्ले एंड पॉज का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको टिक करना है। तो आप इधर दो ऑप्शन है, डबल टैप पे जूम भी होता है, तो आपको जो कोई भी एक पे चूज करना है, दो एक साथ नहीं होगा। तो मैं डबल टैप पोशन प्ले कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीन के कोई भी कॉर्नर से, कोई भी साइड से पोशन प्ले कीजिए, वर्क करेगा। तो उसके बाद ऑप्शन देता हूँ मैं आपके इस प्लेयर पे, बहुत सारा ऑडियो वीडियो के ऑडियो सपोर्ट नहीं करता, आप उसको सपोर्ट करवा सकते हो, 100% पे 90% आप सपोर्ट करवा सकते हो। तो इस आप ऊपर जो आपको दिख रहा है एच डब्ल्यू, तो एच डब्ल्यू डिकोडर आप प्ले स्टोर से कोई भी प्लग डाउनलोड करके इधर दे सकते हो, सपोर्ट नहीं करने पे। तो सपोर्ट करना चाहिए। और जो है, जो सबसे अच्छा वाला ट्रिक्स जो है वह स्क्रीन लॉक, आप अपने बच्चे को कोई भी वीडियो ऑन करके दे चुके हो, तो आजकल का बच्चा भी स्मार्ट बच्चा हो चुका है, अब कहाँ पर टिक करने से स्क्रीन खुलता है वो भी जान चुका है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी सॉल्यूशन है, आपको फिर से जाना है वही ऑप्शन पे, डिस्प्ले पे जाने के बाद सेटिंग, और उसके बाद जाना पड़ेगा कंट्रोल पे। तो आपको इधर दिख रहा है पहले ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन लॉक मोड, लॉक मोड पे आपको क्लिक करने के बाद एकदम लास्ट वाला जो ऑप्शन है किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट, तो ये बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा है। तो आप इसको वीडियो प्ले करने के बाद आप स्क्रीन लॉक कर दीजिए, उसके बाद इफेक्ट देखिए, आपको बच्चे को भी खेलना पसंद आएगा, और इस आसानी से इसका अनलॉक भी नहीं होगा, तो आप देख सकते हो। तो इसको अनलॉक कैसे करना है, तो हम स्क्रीन के चार कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद अनलॉक हो जाए, आप देख सकते हो अनलॉक हो चुका है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक में कोई भी कंजूसी मत करना, और प्लीज़ शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।